आज तिलकामांझी वार्ड 32 में वार्ड पार्षद की मदद से अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तिलकामांझी वार्ड 32 में कुछ निजी क्लिनिक तथा दुकानदारों द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे आज जिला प्रशासन ने हटवाया। अतिक्रमण हटाया गया। ये डॉक्टर बीके पांडे साहब हैं, इनका लेट्रिन का टंकी जाम हो गया था, इस कारण ये पानी रोड पे बह रहा था। तो समाज के लोग परसों गए थे हमारे घर पे, 10-12 लोग, उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया। कल मैंने इस आवेदन को नगर निगम भी भेजा, नगर आयुक्त वगैरह को, और रोड पे देख लीजिए ये 5 फीट 6 फीट पूरा अतिक्रमण करके मिट्टी जमा है। ये सब देखते हुए एक गाड़ी मुश्किल से जाती थी, तो हमने ये निर्णय लिया कि ये पहले एक नाला बनवा दें और फिर ये सारा मिट्टी हटवा दें, उसी में आज हम लगे हुए हैं। कितने देर तक और चलेगा ये? और 15 से 20 मिनट और। लोगों को यहाँ और किस तरह की समस्या थी? समस्या यही है कि रोड पे पानी भरा था, लेट्रिन का लोग को महक रहा था, आने जाने में दिक्कत हो रही थी, और कोई समस्या नहीं है। रोड भी अतिक्रमण था तो वो भी आज खत्म हम कर दिए। ऐसी कार्रवाई और आगे अनेक वार्ड में की जाएगी? वो तो आगे अब नगर निगम समझे और वहाँ के लोकल पार्षद समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी को किसी से मतलब अब रह नहीं गया है। परिचय दीजिए। हंसल सिंह, पार्षद, वार्ड नंबर 32। आज नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के द्वारा गंगा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बरारी सीढ़ी घाट से पुल घाट तक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें एनसीसी एवं एनएसएस के वॉलंटियर्स भी शामिल रहे। मला मुद्रा पुरेशम श्रेष्ठम नष्टम तथा गंडक मत्स्य मुचलती है ब्रह्मलिंग सभा के पूरे आदमी अगर गंगा जी में। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय भागलपुर में किया धरना प्रदर्शन। आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के द्वारा भागलपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। आज राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिला मुख्यालय पर धरना देकर शिक्षा नीति 2020 को वापस करने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देना मुख्य मुद्दा रहा। फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्णय के आलोक में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट बिहार प्रत्येक जिला में एक दिवसीय धरना का निर्णय लिया। आज हम लोग भागलपुर जिला के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं पंचायत चुनाव के बावजूद धरना स्थल पर उपस्थित हुए। माननीय राष्ट्रपति महोदय को 6 सूत्री मांगों को मुझे भेजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए मांग पत्र भेज रहे हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि किसी भी जाति भेद नस्ल धर्म के आधार पर किसी भी तरह का विसंगति नहीं किया जाए और संवैधानिक दायरे में जो है सभी को शिक्षा मुहैया किया जाए। सभी प्रकार की जो नौकरियां है, जो रिक्तियां बची हुई है गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक, उस रिक्तियां पर जो है बहाली अविलंब करवाया जाए। एडॉक पर जो बहाली हुई है वो अस्थाई बहाली है, उस बहाली को नियमित किया जाए। नई पेंशन योजना को बंद करते हुए पुरानी पेंशन योजना को जो है लागू किया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर के द्वारा हमारे शिक्षक साथियों को निलंबित करने का काम किया गया है। चुनाव अधिकार के चुनाव आयोग के द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग करने का काम किया गया है और उन्होंने अपने शक्ति के आधार पर हमारे शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया है। जबकि प्रियरंजन कुमार एक शिक्षक हैं, उनकी पत्नी 2015 में विधानसभा में चुनाव लड़ी थी, उसका निवेदक हमारे शिक्षक उनके पति प्रियरंजन कुमार बने थे, उन्हें अपने कार्यालय में डिप्टेशन पर रख करके लगातार जो है। भागलपुर जगदीशपुर लोकनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर के सभागार में सोमवार को डिटॉल बनाएगा स्वास्थ्य इंडिया प्लान इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रखंड के 20 विद्यालयों के 40 शिक्षकों को स्वच्छता आधारित प्रशिक्षण दी गई। हाथ धोने की जगह मैली, शौचालय में चप्पल ना पहनना, ये सारी शौचालय स्वच्छ करने की बुरी आदतें। दांत में कीड़े हो जाते हैं, दांत में कीड़े हो जाते हैं।
जाते हैं। ये देखिए ये दांत में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कीटाणु है, यहाँ पर कीटाणु है, ये अक्सर गंदगी के कारण होता है। बच्चों को हमको शुरू से ही सिखाना है कि ब्रश कैसे किया जाए। ब्रश करने का तरीका जो है ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके नीचे से ऊपर की ओर ब्रश अगर किया जाए तो इससे कीटाणु जो है वो अधिकतर मतलब लगने की आशंका नहीं रहती।